देखो आईएसआईबी में 2014 का ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन टेन एक्स प्लस एक एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई इज। देखो ये आपके पास गिवन है इक्वेशन, आपको तुरंत एक आइडेंटिटी स्ट्राइक करना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो कि टू कॉस एक्स हो जाएगा, टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहां से लिख लो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो पॉइंट फाइव सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस सेक एक्स को इधर लेकर आ जाओ तो पॉइंट फाइव सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट फाइव ये कर लो अपॉन कॉस एक्स, देखो पॉइंट फाइव सेक एक्स को लिखेंगे, सेक को कॉस एक्स, और इसको भी लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इसको एल एच एस इधर लेकर आ जाओ तो पॉइंट फाइव माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या यहां से आया साइन एक्स इज इक्वल टू पॉइंट फाइव। अब देखो साइन एक्स पॉइंट फाइव कब होता है, ये है साइन का ग्राफ बनाते हैं जीरो से पाई में, ये है जीरो, ये है पाई, ये है इसका वैल्यू पाई बाई टू पे वन। ठीक है, ये है। अब आप देखो ये हाफ हाफ यहां कहीं आएगा वन बाई टू पॉइंट फाइव। अब इससे पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो एक ये इंटरसेक्शन मिला, एक ये इंटरसेक्शन, तो इसका टोटल सॉल्यूशन कितने मिले, टू सॉल्यूशंस मिले। ठीक है, टू सॉल्यूशंस मिले, तो आंसर आपके पास क्या मिल गया, सी, करेक्ट ऑप्शन सी है। ये देखो इसका इसका डायग्राम बनाते ही हमें आंसर दिख जाएगा। क्वेश्चन है टू वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन अ टेंजेंट टू द सर्कल देन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज। देखो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ये सर्कल है। ठीक है, और कह रहा है कि एक स्क्वायर का टू वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेगा और टू वर्टिसेस टेंजेंट होगा, तो ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास है, ये आपसे यही है इसका ग्राफ। ठीक है, अब आप ध्यान देना। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसका ये कितना है आर के बराबर, रेडियस ऑफ द सर्कल आर है, पूरे स्क्वायर का साइड हम ए मानते हैं। ठीक है, देखो ये ग्राफ में देखने से ये वाला साइड ज्यादा बड़ा लग रहा है, ये वाला कम, लेकिन ये है। अब आप जानते हो कि सेंटर से परपेंडिकुलर सर्कल के कॉर्ड पे ड्रॉप करते हैं तो इक्वल भाग में बांट देता है, तो आप देखो ये ए बाई टू हो गया सिर्फ यहां से यहां तक। ठीक है, अब किसी ट्रायंगल में आप देखो ये साइड पता है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये वाला लेंथ हमें निकल जाएगा, और ये देखो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, ये भी आर लेंथ है, यहां से यहां तक रेडियस है। ठीक है, तो ये आर है, तो ये वाला लेंथ कितना निकल जाएगा हमें, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, ये हमें लेंथ निकल गया, और ये लेंथ कितना है आर, ये दोनों लेंथ को जोड़ दिया और ये दोनों लेंथ किसके बराबर, ए के बराबर। ठीक है, तुरंत आंसर अब निकाल दो इसके बाद। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको ए माइनस आर को इधर लेके स्क्वायरिंग कर दो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर, आर से आर कैंसिल कर दिए, इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो इधर क्या बनेगा टू ए आर इज इक्वल टू फाइव ए स्क्वायर अपॉन फोर, तो आर इज इक्वल टू फाइव ए अपॉन एट। तो यहां से ए क्या मिला हमें, ए इज इक्वल टू मिला एट आर अपॉन फाइव। आपके पास साइड का ही पूछ रहा था, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इच, तो ईच साइड आपके पास क्या मिला, एट आर अपॉन फाइव, करेक्ट ऑप्शन डी है।